वेलकम बैक गाइस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मेरा पहला मेकअप वीडियो जो कि मैंने अपलोड किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कौन सा मेकअप का प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो, और कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने साथ में उसका रिव्यू भी बताया था, तो आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप मेकअप के में यूज़ कर सकते हो, और मैं भी मेकअप में यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया था, उसमें आज की वीडियो में मैं सबसे पहले बताती हूँ सनस्क्रीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ गई हैं और हम बाहर भी हमारा अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, मोदी जी अनाउंस करेंगे, सब लोग बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, चाट खाने, ब्यूटी पार्लर, तो किसी न किसी काम से तो जाएंगे ही जाएंगे। सो सनस्क्रीन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि आप सनस्क्रीन कोई सा भी यूज़ मत कर लो जिसमें SPF 50 हो, तो वो ही यूज़ करो। अगर मई जून का टाइम है तब तो बेटा भैया आप SPF 50 वाला ही यूज़ करना, लेकिन अगर अभी अप्रैल है, मिड ऑफ द मई तक आप SPF 30 का यूज़ कर सकते हो, बट मिड ऑफ द मई से लेकर के टिल जुलाई एंड अगस्त आपको SPF 50 का यूज़ करना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा SPF वाला लें, SPF 30 वाला या SPF 50 वाला। सो मैं गाइड करती हूँ, अप्रैल से लेकर के मई 15 तक आपको काया का ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, सन डिफेंस डेली यूज सनस्क्रीन प्लस SPF 30 का। ये 5 स्टार है और आपको ये वाइट एक्टिव फॉर्मूला में आता है, नन ग्रीजी है और सभी स्किन टाइप के लिए बेस्ट देता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला अगर आप यूज़ करते हो ना प्रोडक्ट अप्रैल और मई के टाइम में, तो टैनिंग नहीं होगा और आपका स्किन बर्न भी नहीं होगा। सो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और मई 15 से लेकर के टिल जुलाई एंड अगस्त, जब तक गर्मियां रहती हैं बेसिकली, तो आप यूज़ कर सकते हो न्यूट्राजेनिका अल्ट्रा शीर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50 विथ हेलोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB PA++++ अल्ट्रा लाइट क्लीन फील। तो जो कि ये है वो स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है और वाटरप्रूफ है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट से टेस्टेड भी है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल है, कोरियन स्किन केयर के लिए भी ये सबसे बेस्ट ब्रांड जाना जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो है लेवन। मैं अपने हेयर के लिए, मतलब हेयर कैसे फिजी फिजी सा हो जाता है, तो लोग सिल्क एंड शाइन कौन कौन सा कंपनी का सरम यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करती हूँ लेवन का सरम। मेरा हेयर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा स्किन थोड़ा ड्राई है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है कभी कभी, तो मैं ये वाला लेवन यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से। ऐसे ये 250 का पड़ता है अगर आप मार्केट से परचेज करो तो, बट श्योरली अगर आप अमेज़ॉन से परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये मैं यूज़ करती हूँ हेयर के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिपस्टिक्स। सो लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाती थी। ज़रा सा कोई बोलता था फोटो खींचना है, लिपस्टिक लगा करके हाजिर। सो लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारा है, आप सभी देख सकते हैं। कम है अभी, मेरे से ज़्यादा लोगों का होता है, लोगों के पास होता है, बट मेरे पास अभी इतना ही है। सो गाइस, मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ ये कलर मेरे ऊपर सूट उतना नहीं करता है। मैं ब्रांड बताती हूँ, ये अभी जो मैंने ओपन किया था लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, वो हुडा लिक्विड मैट है। ये कलर मेरे ऊपर सूट करता है, बट जो लोग वाइट स्किन टोन होते हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा सूट करता है, बट ऐसा नहीं है कि जो मतलब डस्की है या ऑलिव है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट पार्टी वगैरह में ब्लैक कलर का अगर आप ड्रेस पहनते हो तो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लिपस्टिक की। सो ये मैं लिपस्टिक है हमारा कोट मी बॉन्जोर पेरिस का ये लिपस्टिक है, जो कि डार्क रेड मरून कलर का है। ये मेरा फेवरेट है, मैं पार्टी वगैरह में अगर जाती हूँ तो ये लिपस्टिक लगा के जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये स्मच प्रूफ भी है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखता है, ऐसा नहीं है कि लिप्स आपका फटने लगेगा।
नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक रेड कलर का, तो मैट मी का लिपस्टिक है, अल्ट्रा स्मूथ मैटे लिपस्टिक है। सो ये एकदम डार्क रेड अगर आपको लिप्स पे चाहिए तो आप मैटे मी का ये लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रेड है, बिल्कुल एकदम वर्मेलियन सिंदूर टाइप से है, देख सकते हो। और ये बिल्कुल जल्दी आसानी से छूटता नहीं है, स्मच प्रूफ है। सो गाइज, और भी मेरे साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट है, लिपस्टिक ही है, वो है LE18 का। ये थोड़ा पुराना हो गया, अभी मैंने 6 महीने पहले ही परचेज किया था। तो ये भी LE18 का लिपस्टिक है और ये देख सकते हैं डार्क पिंक कलर का है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर LE18 का ही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। ये भी LE18 का ही मैंने लिपस्टिक परचेज किया है, आप देख सकते हैं। ये है डार्क ब्राउन कलर का, इसको मैंने मिक्स करके लगाया था इसीलिए ऐसा थोड़ा शो हो रहा है, बट ऐसे ये डार्क ब्राउन कलर का है, आप देख सकते हो, चॉकलेट कलर का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हमारा गार्नियर माइसेलर। तो ये गार्नियर का माइसेलर है जिसको मैंने भी यूज़ करके इतना ख़त्म कर दिया है, बट गार्नियर का ये जो माइसेलर है मैं अपनी स्किन को क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं कारा का भी यूज़ करती हूँ बट गार्नियर का भी मैं यूज़ करती हूँ। वीक में एक दिन मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ क्योंकि गार्नियर का पूरा स्किन को क्लीन कर देता है और स्किन पूरा अच्छी तरीके से आपका साफ हो जाता है। अगर आप स्क्रबिंग कर जा रहे हो या अपने घर पर फेशियल कर रहे हैं तो ये गार्नियर का ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ़ है, नेचुरल है आपके लिए। प्रोडक्ट की बात करूँ मैं तो मैं यूज़ करती हूँ आई लाइनर, तो वो है LE18 का ही है। ये वाटर रेजिस्टेंस है और ब्लैक कलर, पूरा स्मच प्रूफ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा नेल पेंट टाइप का दिख रहा है बट एक्चुअली में ये आईलाइनर है, देख सकते हैं। बिल्कुल आपका अच्छा फिनिशिंग देगा जिसको आप बहुत ही ज्यादा लव करोगे। एंड समटाइम्स आई यूज ब्लू हेवन आईलाइनर, ये भी वाटर प्रूफ है बट इसको मैं उतना रैंक नहीं देती हूँ, 5 out of 2-3 देती हूँ, बिकॉज ये कभी कभी वाटर से ये फैलने लगता है तो मैं उतना यूज़ नहीं कर पाती। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजल, तो मैं काजल यूज़ करती हूँ, हिमालया काजल, ये मेरा फेवरेट है और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लिप बाम की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो लिप बाम में मुझे ये मेबलिन का आर्या वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और लिप को स्मूथ भी करता है। अगर मैं बात करूं परफ्यूम या डिओड्रेंट की तो मैं इंगेज का ये वाला डिओ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, सो मैं इसको यूज़ करती हूँ। सो गाइस, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा अच्छे तरीके से। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स बताऊंगी और बताऊंगी कि मेकअप कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।